नमस्कार, मैं अंजू विविध चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ आज एक और रेसिपी। और मैं आपको दिखाती हूँ आज सिंपल आटे और हरी धनिया से एकदम क्रिस्पी पकौड़े, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसमें जो भी पड़ना है सामान वो घर में आसानी से मिल जाता है, इसलिए इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सर्दियों में जब आप इसको बना के खाएंगे तो इसका आनंद ही अलग आएगा। गर्म गर्म चाय के साथ इनको इन्जॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और हम आपको बताते हैं ये किस तरह से बनेंगे, चलिए अब आपके साथ शेयर करते हैं। और जिसमें हमको एक कटोरी आटा ले रहे हैं, और ये धनिया तो खूब सारी है, जितनी आप चाहें उतना अपनी इच्छा से डाल सकते हैं। ये करीबन एक डेढ़ कटोरी धनिया है जिसको हमने काट लिया है, और ये देसी धनिया है, देख रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया है। और ये प्याज हैं दो, और कुछ हरी मिर्च। और अब हम चलते हैं इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर ये सारी हरी धनिया डाल देंगे। उसी में डाल देंगे ये आटा, और प्याज को हम इस तरह से बिल्कुल महीन चॉप कर लेंगे, इस तरह से डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल महीन महीन काट लेंगे। इसी तरह से हम सारी प्याज को काट लेंगे। प्याज कट गई है, अब हम इसी में इसी तरह से हरी मिर्च को डाल देंगे। हरी मिर्च को बीच से ऐसे फाड़ लीजिए और फिर काटिए, तो काफ़ी महीन भी हो जाती है और अच्छी रहती है। बस इसी तरह से हम सारी हरी मिर्च भी इसमें काट लेंगे। और हरी मिर्च हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, जितने हम तीखा खाते हों उस हिसाब से इसको हम इसमें डाल लेंगे। ये कर चुकी हैं, अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, वो हम आपको दिखाते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप जैसा चाहें वैसे डालिएगा, और 1/2 चम्मच गरम मसाला। नमक अपने टेस्ट के अनुसार, हींग थोड़ी ज़्यादा सी 4-5 पिंच, 1/4 चम्मच जीरा, 10-15 काली मिर्च हैं जिसको कि हम इसमें कूट करके मिला देंगे। इसको हम थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि सारे मसाले, धनिया, सब कुछ आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बहुत ही टेस्टी लगती हैं, और इतना स्वाद, सोंधा सोंधा स्वाद आता है इसको खाने में कि मज़ा आ जाती है। और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको मिक्स करते जाएंगे। पानी हम थोड़ा ही थोड़ा डालेंगे, इस तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। और धनिया जाड़े में खाने का एक फ़ायदा और है, एक तो ये हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक रखती है, और दूसरा इसको खाने से प्यास भी लगती है। तो अगर हम सर्दियों में पानी कम पीते हैं तो इसके खाने के बाद हम पानी भी पियेंगे, जिससे कि हमको पानी की पूर्ति भी हो जाएगी और टेस्ट तो खैर अच्छा आता ही है। और ये डो हमारा बन करके हो गया है तैयार। इसको बस हम इस तरह से रखेंगे, ना बहुत ढीला और ना बहुत टाइट, बस एक पकड़ में आ जाए, जिस तरह से हम दही बड़ों वगैरह के लिए दाल को तैयार करते हैं, बस उसी उसमें इसको भी तैयार करना है। अब हम इसको बनाएंगे। हमने ये हो गया तैयार, अब हम इसको बनाएंगे। और मैंने यहाँ पर ऑयल पहले से ही चढ़ा रखा है गर्म करने के लिए। ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर चुके हैं, अब आपको दिखाते हैं कि हम इसको किस तरह से बनाएंगे। हाथ में हम लगाएंगे इस तरह से थोड़ा पानी, और इसको ऐसे लेंगे और बिल्कुल बस जैसे हम दही बड़े बनाते हैं या उस तरह की चीज़, उसी तरह से इसको हमको बनाना है। और इस आँच में डाल, तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, और फिर हम गैस को कर देंगे मीडियम फ्लेम पे। इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाएंगे, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से पक सकें। एक बार में जितने इसमें आएंगे हम उतने डालेंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, इसको डालने के बाद तुरंत मत अलटिए पलटिएगा, थोड़ी देर इनको एक आध मिनट ऐसे ही तैरने दीजिएगा, और फिर इसको हम पलटेंगे।
अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम इनके ऊपर इस तरह से तेल थोड़ा सा डाल देंगे और ये देखिए इनको पड़े हुए करीबन एक मिनट हो चुके थे और अब हम इसको पलट रहे हैं। कितनी आसानी से पलट रहे हैं, कोई भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही बढ़िया सिक रहे हैं। और इनको बस मीडियम टू लो फ्लेम पर धीमे धीमे सेकना है जिससे कि ये अंदर तक सिक सके और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अभी मैं आपको इसको बाद में दिखाती हूँ कि इसकी क्रिस्पी कितनी बढ़िया आती है। इसको ऐसे ही हम सिकने देंगे धीमे धीमे। जब हम धनिया काटेंगे तो इसकी जो डंडियाँ होती हैं उसके साथ में ही इसको काटेंगे। खाली हम इसकी इस तरह से कि जो जड़ है इसको हटा देंगे बस, और बाकी पूरी धनिया हम काट लेंगे। इस तरह लटते पलटते हुए हम इनको धीमे धीमे सेक लेंगे। और आप इसको किसी भी मौसम में बना करके खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी लगती हैं और स्वाद तो खैर बहुत अच्छा आता ही है। और इस समय इसलिए कि इस समय धनिया वगैरह बहुत ज़्यादा आती है तो अच्छी और फ्रेश धनिया हमको आसानी से मिल जाती है, इसके कारण बनाने में भी आसानी रहती है। और ये सिक करके हो गए हैं तैयार। अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये इस तरह के हो जाएंगे, जब गोल्डन ब्राउन कलर के तब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। हम इनको निकालते हैं। ये देखिए आपको प्लेट में ये आवाज़ लग रही होगी ना, कितनी क्रिस्पी बने हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी बन रहे हैं। टेस्टी तो खैर बहुत ही बनते हैं। तो हम आपको इसको दिखाते हैं, आप इनको इस तरह से खाइए, ये बहुत ही टेस्ट लगते हैं। आप इनको हरी चटनी, सॉस, चाय, जिसके साथ चाहें उसके साथ एंजॉय कीजिए, ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आप एक बार, मैं तो कहूँगी इसको ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।